परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के नेतृत्व में आज पतंजलि योग पीठ योग आयुर्वेद शिक्षा चिकित्सा स्वदेशी एवं सनातन संस्कृति का महातीर्थ कहलाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सपना भारत को विश्व गुरु बनाना है। पूज्य स्वामी जी महाराज का मानना है कि समाज राष्ट्र व विश्व का उपकार जितना एक सन्यासी कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता, और अपने इसी लक्ष्य के तहत पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिव्य व्यक्तियों के निर्माण का संकल्प लिया। अपने इसी दैवीय संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने राम नवमी के पावन अवसर पर 25 मार्च 2018 में पहली बार अपने शिष्यत्व में रह रहे ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणियों को संन्यास दीक्षा दी। आज ये दीक्षित सन्यासी पतंजलि में रहकर ही वेद उपनिषद दर्शन व्याकरण गीता व अन्य शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन कर अपने तथा दूसरों के जीवन में दिव्यता भर रहे हैं। यही सन्यासी वर्तमान में पतंजलि के विभिन्न प्रकल्पों में नेतृत्व की भूमिका में है। ये संगठन के साथ साथ पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि गुरुकुलम व पतंजलि कन्या गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि वेलनेस योग ग्राम निरामयम के साथ साथ देश के अन्य प्रांतों में स्थापित पतंजलि योग पीठ के प्रकल्पों में नेतृत्व की भूमिका में रहकर पूज्य स्वामी जी महाराज के संकल्प पूर्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत पूज्य स्वामी जी महाराज पुनः एक बार आह्वान कर रहे हैं कि जो युवक युवतियां पूर्ण वैराग्यवान होकर आजीवन ब्रह्मचारी व सन्यासी बनकर धर्म संस्कृति व राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, वे राम नवमी के अवसर पर संन्यास दीक्षा हेतु 20 मार्च तक पतंजलि संन्यास आश्रम हरिद्वार पहुंचे। 12वीं स्नातक एवं परास्नातक पास युवक युवतियां संपर्क करें 8954555599।